लिया पकड़ लिया पकड़ लिया मुर्गा पकड़ लिया। अनोखा फेस्टिवल जिसमें मुंह में रोड लगा के वो भी इतनी बड़ी जो शरीर से भी बड़ी हो, आपने शायद ही कभी देखा होगा। देखने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं ये हिंदुओं का है। तो अब आ गई हूँ मैं देवगढ़ के एयरपोर्ट पे। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा खूबसूरत सा एयरपोर्ट ये है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से चलती है। बैक साइड में मेरे देखोगे तो पूरा ग्रीनरी है और सिटी से क्योंकि दूर है तो हसल बसल बिल्कुल भी नहीं है। शांत सा एयरपोर्ट है। पीछे ये आपको दिख रहा है, छोटा सा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाकी अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और मेरी जो फ़्लाइट होने वाली है यहाँ से बैंगलोर की, लगभग 3 से 3.5 घंटे की होने वाली है। तो सफ़र करते हैं साथ में इनके। तो यहाँ पे आपको अपना जो सूटकेस है वो अंदर डालना पड़ता है। तो यहाँ का जो एयरपोर्ट है ये काफ़ी छोटा सा है। ये देखो यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे आप एक्सरे मशीन से अपना सारा सामान स्कैन करवाते हो। यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी शॉप बनी हुई है हैंडीक्राफ्ट्स की। इस साइड पे सिक्योरिटी आपका जो भी चेक इन वगैरह होता है बस इतना सा ही है। और इस साइड पर ये बना हुआ है काउंटर जहाँ से आपको अपना पास मिलता है। तो फाइनली अब टाइम हो गया बोर्डिंग का, लगभग 12:43 यानी ऑलमोस्ट 1:15 बज चुका है। टाइम था 12:55 फ्लाइट निकलने का, तो थोड़ा सा डिले ऑलरेडी हो चुका है। देखते हैं फ्लाइट कैसी रहती है। एक नंबर है 6437। मैं फ्लाई कर रही हूँ देवगढ़ से बैंगलोर के लिए। देवगढ़ का बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट है। फ्लाइट का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो लगभग 3 घंटे का रहने वाला है। 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे बैंगलोर। फ्लाइट की जो सीट्स हैं वो मुझे, मेरी जो सीट नंबर आई है वो है 31B यानी मिडल बर्थ मिली है। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो छोटी सी जो है ये एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन से मैं फ्लाई कर रही हूँ। बोर्डिंग हो जाती है उसके बाद में इसको क्लोज कर दिया जाता है और किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। अरे यार एंड शिवानी भवानिया जहाँ कहीं भी है निकट कर्मिदल से संपर्क करें, धन्यवाद। तो मैं बैठी हूँ मिडल सीट पे और मेरा जो सीट नंबर है वो मैंने बोला था 31B लास्ट सीट, बिल्कुल एंड हो जाता है यहाँ पे। और इस साइड में सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि वॉशरूम बिल्कुल पास। अब हम उड़कस लगे हुए हैं। क्रू के आदेश के बिना लाइफ जैकेट्स, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग या छेड़छाड़ मना है। कोई भी उल्लंघन करने पर विलम्ब और नियामक कार्रवाई हो सकती है। पहली फ्लाइट की जो लैंडिंग है वो हो चुकी है, पहुँच चुके हैं बैंगलोर। टाइम जो हुआ है 3:11, 3 बजे की लैंडिंग थी यानी वहाँ से लेट उड़ी, फिर भी टाइम से पहुँचा दिया। तो अब जाते हैं और एयरपोर्ट पर कुछ खाते पीते हैं। तो भाई अब मैं एयरपोर्ट पे खा रही हूँ ये सैंडविच जो मैंने होटल से लिए थे, एक्स्ट्रा एक प्लेट मंगवा के। और ख़रीदी है मैंने ये स्लीपी ओवल की कॉफ़ी, हेज़लनट इसका फ्लेवर है। मैंने थोड़ी सी पी के देखी है, मुझे बिल्कुल भी ये टेस्टी नहीं लगी है। मैंने सोचा था शार्क टैंक के ब्रांड है, ट्राई करके देखते हैं, बट वर्स्ट टेस्ट। 3 बजे से लेके 7 बजे तक फुल ऑन टाइम पास करने के बाद में अब मैं फाइनली निकल रही हूँ एयरपोर्ट से बाहर और बस लूँगी और पहुँचूँगी उस जगह पर जहाँ का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। तो ये है बैंगलोर का एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत और इंडिया में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है ये।
तो आप चाहे टर्मिनल 1 पर आते हैं या टर्मिनल 2 पे, आपको दोनों ही जगह से मिल जाती है सिटी बसेस की सुविधा। वो जो सामने दिख रही है ये बसेस, अगर आपको बैंगलोर मेन सिटी में जाना है, मैसूर जाना है, ऊटी जाना है, कहीं पे भी जाना है, यहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाती है। मुझे फ़िलहाल जाना है सिटी में, क्योंकि मेरी बस मुझे वहाँ से मिलेगी, तो मैं यहाँ से बस पकड़ूंगी, यहाँ टिकट काउंटर है उससे टिकट लूँगी और निकल जाऊँगी। चलते हैं। चुकी हूँ मैजेस्टिक, जो कि बैंगलोर का बस स्टॉप है, आप बोल सकते हो। यहाँ से आपको आसपास जाने की जितनी भी बसेज है, सस्ती वाली, गवर्नमेंट वाली, वो सब यहीं से मिलती है। मतलब एयरपोर्ट से अगर बस लोगे ना, तो वो मिलेगी आपको थोड़ा एसी और थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी। वहीं आप अगर वहाँ से यहाँ तक आ जाओगे, जिसमें 250 रुपये आपके खर्च होंगे, यहाँ से आपको काफ़ी लोकल बसेज वगैरह मिल जाएगी। तो अभी मेरा जो सफ़र है वो यहाँ से होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह का, जो मैं बाद में बताऊंगी। पहले बस चलते हैं, जो मैंने बुक की है रेड बस से। रेड बस पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको कहीं से भी कहीं तक भी बस बुक करनी है। तो चलते हैं, बस दिखाती हूँ आपको कि कैसी बस होगी और रात की जर्नी यहाँ पे कैसी होती है वो भी दिखाऊंगी। कर्नाटका में हूँ और कर्नाटका में ही मुझे जाना है। तो इस साइड पे है मैजेस्टिक बस स्टॉप और उसके बिल्कुल इस साइड पे ये है एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो भाई मूड तो था मेरा दाल रोटी खाने का, लेकिन साउथ इंडिया में आपको दाल रोटी तो मिलती नहीं, अब समझ नहीं आ रहा खाएं क्या। डोसा 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 दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको पहले वहाँ पे काउंटर पे देना होता है पैसा, 60 रुपये मैंने पे किया है और उसके बाद मुझे मिला है ये कर्ड राइस जो अचार के साथ सर्व किया गया है। मेरे साथ शुभम जो है इन्होंने लिया है लेमन राइस विथ ये कोकोनट चटनी। ये कितने का है? 50। ये 50 का और ये 60 का है। अच्छा भाई, कर्ड राइस यहाँ पे महंगा मिल रहा है, लेमन राइस यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। कैसा है खाने में? लेमन जैसा वो खट्टापन तो यही है। लेमन राइस में लेमन ही नहीं है। अच्छा है, स्पाइसी है, स्पाइसी है भाई। 10:35 हो चुके हैं और 10:45 पे मेरी बस है स्टॉप में आ चुकी हूँ। ये मैंने बुक की है रेड बस से, इसलिए इसका लाइव ट्रैक मैं कर सकती हूँ। बस आने ही वाली है, तो यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे ही बस आएगी मैं आपको बस दिखाती हूँ। यहाँ से इतनी सारी बसेस क्रॉस हो रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बस चलती है। तो यहाँ से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बैंगलोर से आसपास के किसी भी एरिया में, तो आराम से बस में ट्रैवल कर सकते हैं। तो भाई 10:38 पे फाइनली अपनी बस आ गई है। हरे रंग की बस है, ग्रीन और ऑरेंज, इंडिया के हल्के हल्के से फ्लैग वाली फील आ रही है, बट फ्लैग वाला कलर नहीं है, बट हल्का सा। बस मुझे थोड़ी सी बोनी टाइप की लग रही है, मतलब ऐसे जो डबल डबल डेकर की और बड़ी सी बस होती है ना लग्जरी वाली, वैसी नहीं, थोड़ी छोटी सी बस लग रही है। तो भाई यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे सामान रखने में हेल्प करते हैं या खुद रखते हैं, वैसा नहीं करते, खुद ही बोल रहे हैं खुद ही रख दो, खुद को ही अपना सामान रखना पड़ रहा है। तो ये सीट है जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो ब्लैंकेट्स रखी हुई है वो इस तरह से है, पिलो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, बस ये जो इस तरह से है यही पिलो है। इस साइड पर ये होल्डर है, कुछ रखना है तो इस साइड पर स्पेस दिया हुआ है जहाँ अपना लगेज आप रख सकते हो। बाकी इस तरह से स्पेसिंग है। 10:57 और बस अपनी चल पड़ी है बैंगलोर से। तो अभी बस लगभग आधे घंटे से यहाँ पे रुकी हुई थी, अब स्टार्ट हुई है। सुबह के लगभग 5:30 बज गए और मैं पहुंच गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। ये एक बहुत ही छोटा सा टाउन जहाँ पे बहुत ही फेमस, जो आपने सुना होगा, आदिवासी हेयर ऑयल वो बनता है, ये है शिवमोगा।
यहाँ से शुरू होता है, आप यहाँ से अंदर जाते हो, ये सारे लोग जो जा रहे हैं ये सब व्रतधारी आप जिसे बोल सकते हो, बाकी अंदर और जानेंगे ये क्या है। इस तरह से अंदर अब हम चल रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है वो मेला, पूरे साल भर में सिर्फ एक ही बार होता है और 2 दिन के लिए होता है। वो जो वहाँ पे आपको दिख रहा है वो मंदिर है, वहाँ तक लोग जा रहे हैं, अपने अपने घरों से सब लोग पैदल आते हैं, और कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। है यहाँ सुब्रमण्य टेम्पल का बहुत फेमस टेम्पल है। यहाँ वर्षों से आड़ी कीर्तिके से यहाँ बहुत बढ़िया यात्रा महोत्सव होता है। यहाँ बहुत लाख पीपल्स आर कमिंग टू हियर एंड सी द ऑल द एला देवी का दर्शन करके, स्वामी का दर्शन करके जाता है सब लोग। सब लोग यहाँ बहुत भक्ति से, और यहाँ से यहाँ लोग यहाँ शिवमोगा के प्रसिद्ध टेम्पल है, आदि को पूरा करने के लिए आते हैं। क्या वो हरके कर देते हैं, हरके क्या भगवान से क्या पूछ लेता है वो यहाँ से, यहाँ पूरा मन पूरा हो जाता है, और सॉल्ट और पेपर को यहाँ स्वामी को डालता है, इसी से वो फेस में क्या होता है पेपर और ब्लैक डॉट्स यहाँ सब निकल जाता है। ये सब लोगों का मन की इच्छा पूरा होता है। वो सुब्रमण्य भगवान के लिए, ऊपर है ना सुब्रमण्य भगवान के लिए प्रार्थना करती है, तकलीफ खराब होती है ना बेटी को बहन को, इसलिए क्या की जरूरत होती ना, इसीलिए प्रार्थना करने को ये नहीं तो जन्म प्रयत्न प्रयत्न घर में ही ना छोटे से बच्चे से दौड़े से वो काव लेकर आते। तो ऐसा कोई एक ही नहीं करता है ऐसे, ये देखिए इनके भी मुंह में इस तरह से डला हुआ है, और सारे लोग इस तरह से जाते हैं। लोकल कल्चर का ध्यान रखते हुए मैंने भी अपनी चप्पलें खोल दी है, और यहाँ से अब जो भी यात्रा होगी वो पूरी तरह से पैदल नंगे पैर होगी। इतना बड़ा होता है कि मिलता है।
वन वर्ष के अंदर एक साल के अंदर हरो हरा हरो हरा के नारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ ये पूरी यात्रा होती है। सिर्फ दो दिन का ये फेस्टिवल है जो कर्नाटका के शिवमोगा में मनाया जाता है। तो ये जो सलाख इनके मुंह में है, इसके इस साइड पे नींबू लगा हुआ है, इसकी भी क्या कहानी है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये वितरित किया जा रहा है शायद प्रसाद, जिसमें नहीं ये फूल है, इस साइड पे ये भी पुष्प है और ये इस तरह से दिया जाता है। इतना अनोखा फेस्टिवल जिसमें मुंह में रोड लगा के वो भी इतनी बड़ी, जो शरीर से भी बड़ी हो, आपने शायद ही कभी देखा हो। जो ऊपर हो रहा था ये पूरी तरह से डिवोशनल था और नीचे खाने पीने की सारी दुकानें और उधर की साइड पे अगर आप देख पा रहे हैं तो झूले वगैरह, पूरे मेले जैसा माहौल यहाँ पे होता है। अच्छा लग रहा है कि सुब्रमण्य कुटकल में इधर वो जो लोग इधर आते हैं उन्हें सभी को सुब्रमण्य का आशीर्वाद मिलता है, सभी कावड़ी वालों को आशीर्वाद मिल रहा है। 102 ईयर से ये जाता चल रहा है। यहाँ की जो असली कहानी है जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है उसको कोई भी बताना नहीं चाहता है, कहते हैं कि वो सीक्रेट है और उसे बताना नहीं चाहिए। जो क्रक्स में अभी पता चला है वो ये है कि सुब्रमण्य स्वामी को आप जो भी विश मांगते हैं वो पूरी होने के बाद में आप जो भी कर सकते हैं, जो भी ऑफर कर सकते हैं, वो ये फेस्टिवल के रूप में किया जाता है। तो ये पूरा त्यौहार जो है वो एक मेले के रूप में मनाया जाता है। लोकल सारे लोग आपको इस टाइम पे यहीं पे मिलते हैं। दो दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, सुबह के 8 बजे से लगभग रात के 11 बजे तक। और इस तरफ आप जो लोग देख रहे हैं ये सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में ये बना हुआ है इसलिए आपको चारों तरफ जो है पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं? अच्छा, आपको हिंदी, आपने भी व्रत कभी किया है ये वाला? हेल्पिंग। अच्छा, ये वॉलंटियर है? तो भाई ये वॉलंटियर है। ओके, व्हाट्स योर एज? 17। ओनली 17? यू आर फ्रॉम शिवमोगा? ओके भाई, ये जो भंडारा होता है लगभग How many people in a day? कितना लोग होता है एक दिन में जो भंडारा खाते हैं? 1 lakh people eating. तो भाई 1 lakh लोग एक दिन में यहाँ पे खाते हैं। और उस भंडारे की प्रिपरेशन कैसे होती है, यानी कि वो भंडारा बनता कैसे है वो देखते हैं। तो ये किचन है जिसमें ये खाना बन रहा है, इस साइड पे ये चावल है, उधर सारी भट्टियां चल रही है जहाँ पे लोग जो है बिल्कुल शुद्ध साफ, अगर आप नीचे फर्श देखेंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा खाना है। मुझे यहाँ पे एक भी मक्खी भिन भिनाती हुई दिखाई नहीं दे रही, जबकि नॉर्मली अगर हम रेस्टोरेंट में भी देखें तो खाना मेन कुक। तो भाई ये है हमारे यहाँ के, मतलब शिवमोगा के जो अभी फेस्टिवल चल रहा है उसके मेन कुक ये है। और यही ओके, हेलो, आपको हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है आपको? अच्छा, तो आप कितने सालों से ये खाना, कितने लोगों के लिए खाना बनता है? 15,000 लोगों के लिए एक बार में बनता है। 40 से 50 लोग कुक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 40 से 50 लोग हैं जो ये खाना बना रहे हैं। तो इस त्यौहार के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो कुछ ऐसा है कि लोग जो भी डिवोटीज होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपने कंधे पे एक लकड़ी की जो होती है जिसे ये भी लोग कावड़ी बोलते हैं, और यहाँ पे भी ये जो फेस्टिवल होता है ये श्रावण मास में ही होता है, उसको अपने शोल्डर पे रखते हैं और उसको मंदिर तक लेके जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो है उनकी पूजा की जाती है, उनसे कोई विश मांगी जाती है और जब वो विश पूरी हो जाती है तो ये लोग आते हैं, अपने गालों में छेद करके एक बहुत ही बड़ी सी रोड ये लोग लगाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसे अभी भी बैन कर दिया गया है, मतलब कुछ सालों पहले ही, लेकिन अभी भी कुछ डिवोटीज है जो वो अभी भी करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ फेस्टिवल मनाया जाता है।
बहुत ही कठिन, बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं कठिन तरीके से ये किया जाता है, और फाइनली जब विश पूरी होती है उसके बाद में ये सब लोग करते हैं। और यहीं पे पीछे लगा होता है बहुत ही खतरनाक सा मेला, उस मेले में सब लोग झूले और खाना पीना प्रसाद सब कुछ यहीं पे होता है। तो वैसे तो हमारे हिंदू समाज में ये प्रथा होती है कि मरने के बाद में जो शव होता है उसको जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रथा बिल्कुल अलग है। जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं ये हिंदुओं का है, यानी कि हिंदू समाज का यहाँ पे ये प्रचलन है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेडिशन से अलग है कि यहाँ पे कब्रिस्तान में भी जो है हिंदू की बॉडी है। तो ये जो त्योहार मनाया जा रहा है यहाँ पे, कहा जाता है ये आपके नाना परनाना यानी अपने जो पूर्वज होते हैं उनको आप कभी भुलाएं ना, उसकी याद में मनाया जाता है। पूरे गाजे बाजे के साथ, जैसे किसी दुल्हन की डोली आती है वैसे ही ये पूरा त्योहार मनाया जाता है, और इसमें सब लोग गाजे बाजे के साथ में जो विश पूरी करके आते हैं उनके साथ आते हैं। अब आ चुके हैं हम इस डैम के पास में, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आप बोल सकते हो जाइंट है, बहुत बड़ा है। ये पूरा जो पानी का सप्लाई होता है शिवमोगा में वो यहीं से होता है, और काफ़ी बड़ा डैम है मतलब। लेकिन यहाँ के पानी का रंग अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मटमेले रंग का पानी है, जहाँ मैंने नॉर्मली सब जगह पे सफ़ेद रंग देखा है, यहाँ पे पूरा मटमेला सा है। और इस तरह से ये आगे की ओर जाता है, पानी का सप्लाई करता है पूरे शहर में। तो भाई अभी मेरे हाथ में जो है, वैसे तो दिखने में भेलपूरी जैसी है, सूखी भेल जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र में, उसी को कर्नाटका में कहा जाता है मसले मंडकी। तो इसको खा के देखते हैं, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ इसका मज़ा डबल हो जाएगा। दूर दूर तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखेगी, ऊपर बादल छाए हुए हैं, इस वजह से मौसम बहुत सुहावना है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है नारियल और सुपारी, सुपारी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, और इसीलिए यहाँ का जो सुपारी और रजनीगंधा पान मसाला है वो बड़ा पॉपुलर है। तुम्हारे पूरे मुंह के साइज का है। वाटरफॉल की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, और रास्ते में जो नज़ारे हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन मोह लेंगे। चारों तरफ हरियाली और उसमें होती हुई रिमझिम सी बारिश, और उसमें ये घुमावदार रास्ते, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद में मैं पहुंच गई हूँ सुहाने से सफ़र को, सुंदर से रास्तों को देखते हुए उस जगह पे जहाँ मुझे आना था। ये है जॉग फॉल्स, देखते हैं जैसा फ़ोटोज़ में देखा था वैसा असली में दिखता है या नहीं। एंट्री फीस लगी है लगभग 10 रुपये पर पर्सन, और अगर आप 4-व्हीलर पे आते हो तो 50 रुपये आपको उसकी एंट्री का भी देना होता है। इस वाटरफॉल पे आके आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। इतना बड़ा वाटरफॉल ये सामने दिख रहा है, वहाँ पे 3 से 4 वाटरफॉल दिख रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि मानसून में लोग महाराष्ट्र के बारे में बनाते हैं, बट कर्नाटका में इतना खूबसूरत ये वाटरफॉल है, यहाँ आके थोड़ी देर टाइम लगाओगे आराम से बैठोगे तो बहुत 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 मज़ा आने वाला है। तो ये प्लेस बिल्कुल भी मिस मत करना, जब भी यहाँ पे आ रहे हो कर्नाटका में चिकमंगलूर के आसपास, या बैंगलोर के आगे भी जाने का प्लान है तो ये वाटरफॉल ज़रूर कवर करना।
तो यहाँ पे आपको जो ये चार वाटरफॉल दिख रहे हैं, इन सब के अलग अलग नाम भी है। यहाँ पे सबसे पहले है ये राजा, उसके बाद है राउर, फिर है रॉकेट और फिर रानी। राजा और रानी के बीच में दो वाटरफॉल है और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। और वहाँ जो पीछे आपको अगर हट दिख रही है तो वहाँ पे कर्नाटका की फेमस मूवी की शूटिंग भी हुई है। ये एक बहुत ही प्यारी सी शूट लोकेशन भी है। तो भाई कल हम थे जॉग फॉल में, उसके बाद में मैंने खाना पीना खाया और आके सो गई। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मिलवाने वाली हूँ एक ट्राइब से। चारों तरफ मेरे घनघोर बड़े बड़े जंगल, और यहाँ तक पहुँचने में लिटरली मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर है और यहाँ पे मैं आ पहुँची हूँ। अभी आपको अंदर लेके चलती हूँ, थोड़ा लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका रहन सहन कैसा है, क्या इनका खान पान है, क्या इनकी दिनचर्या है, क्या ये काम करते हैं। और आज के टाइम पे तो काफ़ी डेवलप हो गए, लेकिन पहले कैसे रहा करते थे वो भी जानेंगे। आपका? मेरा नाम चुच्चू। चुच्चू? अरे वाह, बढ़िया नाम है। तो आप कहाँ तक पढ़े हो? SSC मतलब 10th पढ़े हो? 10th। अच्छा, तो आप मतलब ड्रेस वगैरह ऐसे ही पहनते हो बचपन से, या पहले अलग टाइप के कपड़े पहनते थे? ऐसे कपड़े पहनते, ऐसे ही कपड़े पहनते। और कौन सी लैंग्वेज है आपकी? मेरी लैंग्वेज गुजराती। गुजराती है? आप गुजरात से हो? हाँ, गुजरात। तो गुजरात से यहाँ पे आए? आदिवासी लोग हम, हक्की पक्की काम है। हक्की पक्की? हक्की पक्की। अच्छा, तो कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? बहुत साल। कितना? फिर भी तो अभी हमें ये लेके जा रहे हैं एक ऐसे घर में जो बिल्कुल पुराना है, और लगभग 60-70 साल पुरानी चीजें भी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। आप पहले बाहर रहते थे? यहाँ पे ही रहते थे, बीरत बोले। नहीं, आप फॉरेन में भी रह के आए ना? जी, हम फॉरेन में भी रह के आए, सूडान, साउथ सूडान, वो सब जाके आए हम। कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा है। जो यहाँ पर देते हैं हेयर ऑयल, वहाँ पर भी वो ही देते हैं। अच्छा, तो आप हेयर ऑयल का काम करते हो? जी, मतलब ऑयल बेचते हैं? जी। ओके, तो वहाँ पे क्या सुना है, बहुत डेंजरस कंट्री है सूडान? उतना तो डेंजरस नहीं है। अच्छा, लोग वहाँ के बहुत अच्छे है। अच्छा, अच्छी बात करने वाले लोग है। अच्छा। रात को मतलब सुना है 5 बजे के बाद वहाँ सब बंद बंद हो जाता है, गोली मार देते हैं। थोड़ा उस शहर के बाहर हो रहे, बाहर एक और एक शहर रहता है, छोटा छोटा शहर, उधर नहीं जाते थे हम। वहाँ पर थोड़े लोग गुंडा जैसे अच्छे लोग नहीं रहते थे। अच्छा, वहाँ पर तो नहीं जाते थे, जो अच्छे लोग रहते थे वहाँ पर रहते थे हम। अच्छा जी। आज तो यहाँ पे सड़कें और सब कुछ बन चुकी है, लेकिन कुछ सालों पहले तक सड़कें वगैरह नहीं हुआ करती थी और पूरा जंगल के बीच में ये लोग रहा करते थे। लोगों में शादी किस तरह से होती है? मतलब शादी अच्छी होती है, चर्च में बनाते, चर्च में तो घर के सामने स्टेज डाल के बनाते। अच्छा, नहीं मतलब जैसे लड़का लड़की को देखने जाते हैं, अरेंज होती है, कैसे होती है मतलब? और लड़की? अच्छा, लड़का वाले फूल, साड़ी, चूड़ी, हल्दी, कुंकुमा और मिठाई लेके आते लेके आके माँ बाप को बिठा के बोलते। अच्छा, आपकी बेटी होना करके पूछते। अच्छा, लव मैरिज हो तो लव मैरिज भी ऐसे बोलते घर के आके। हाँ, अरेंज मैरिज भाई तभी आके बताते। अच्छा, तो लड़का लड़की आपस में पहले मिलते हैं या फिर घर वाले ही डिसाइड करते हैं? मेरे में क्या होता है, लव मैरिज हो गए तो डेट बोल देते। हाँ, अच्छा, पसंद कर रहे, बाद में वो घर वाले आके बात करते। अच्छा, यहाँ पे सब लोग क्या काम करते हैं नॉर्मली? नॉर्मली फूल बेचते, आदिवासी हेयर ऑयल बेचते। अच्छा, और दुकान चाकी तिंडी की दुकान रहती है। मतलब मोस्टली लोगों का काम ऑयल बेचना, फूल बेचना और ऐसा सब है। तो यहाँ घरों में ये लोग इस तरह से फूल की मालाएं भी बनाते हैं। आर्टिफिशियल फूल है ये सारे, आर्टिफिशियल ना? पूरा आर्टिफिशियल माला। कितना टाइम लगाता है एक बनाने? बस 10 मिनट में बन जाता है। वाह, एक दिन में कितनी बनाते हो आप? एक दिन में 10 या 15 बनाते हैं। अच्छा, कितने का बिकता है ये? 1000 रुपये में एक बिकता है। 1000 रुपये में एक? और आपको? और 500-600 वाला भी है। अच्छा, कहते हैं। अच्छा, पूरा दिन ये माला बनाते हो आप? ऐसा वाला बनता है। अच्छा,
ये कितने का? 1000 का बनता है, ये आप 1000 में बेचते हो दुकान वालों को? अच्छा, तेल मेरे तो सब रास्ते पे लगाते हैं शॉप वगैरह, 700-800 में वो तो देते हैं। अच्छा यार मेरा, अच्छा ये वाला, ये वाला फिर क्या हुआ? हम ये घर से ये घर आए। अच्छा पहले ये वाला घर आपका था? अच्छा तो यहाँ पे ऐसे मतलब जमीन वगैरह किस तरह से मिलती है? सिर्फ आप लोगों की ये सारी जमीन है या कोई बाहर से भी आके ले सकता है? बाहर से लोगों भी लेकर रखे हैं, हम भी लेके रखे हैं। उधर क्या बोलते हैं, सुपारी का झाड़ा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा यहाँ पे ज्यादातर सुपारी की खेती होती है? हाँ, सबके सुपारी के झाड़ है, सुपारी के झाड़ और चावल का, चावल की भी खेती है। चावल की खेती, ये मेरी नानी का घर। अच्छा बाल देखो क्या मस्त बाल है। आप भी तेल लगाते हो क्या? नई वाला हम तेल ही लगाते हैं। वीडियो करो सा क्या? कौन सा तेल लगाते हो? हम आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल लगाते हैं। हम्म, पूरे काले घने बाल है इनके। तो भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, इससे क्या होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो इस समुदाय के लोग जो है वो पहले किया करते थे मतलब शिकार किया करते थे, मुर्गों को पकड़ा करते थे, चिड़ियाओं को मारा करते थे। और सुना तो ये भी है कि मतलब जितने भी जानवर मिलते हैं, क्योंकि आदिवासियों का रहन सहन आपको पता है ऐसा ही होता है भाई, जो मिल जाए उसको खा के गुजारा करना पड़ता था। तो पहले ऐसे ही होता था, तो इनको सारी टेक्निक्स आती है किस तरह से किसको पकड़ना है, मुर्गे कैसे पकड़ने हैं, चिड़ियाएँ कैसे पकड़नी है, मतलब चिड़िया उड़ती हुई चिड़िया को कैसे निशाना लगाना है, सब कुछ इनको आता है। तो अभी आज के ज़माने में तो ये लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग गए हैं, मतलब चिड़ियाओं को बुलाने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर लगाते हैं। मतलब इन्होंने एक इतना शानदार मुझे तरीका बताया, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। मतलब इन्होंने मुझे बताया कि जब इनको चिड़ियाएँ चाहिए होती है पकड़ने के लिए, तो एक जाल टाइप का होता है इनका, वो ये बिछाते हैं, फिर ब्लूटूथ स्पीकर लगाते हैं और फिर उसमें ना फीमेल चिड़िया की आवाज़ लगाते हैं। भाई मेल जो भी होते हैं वो फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सब में एप्लीकेबल होता है। तो उसकी वजह से उस जाल में फिर आ जाती है चिड़ियाएँ फंस के। तो अब आज के ज़माने में तो ये वो स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले जो इनके पूर्वज हुआ करते थे वो उस तरह की आवाज़ अपने मुंह से निकाला करते थे। तो ये सारी स्टोरीज़ है जो यहाँ पे ये लोग शेयर कर रहे हैं। अभी ये मुर्गा किस तरह से पकड़ते थे वो ये करके दिखाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी लाइव। बाकी चिड़िया वाला तो सीज़न, मौसम, बारिश कब होगी, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मुर्गे का मेरी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने बोला कि ये करके दिखाएंगे। यहाँ आपको आवाज़ आ रही होगी, मुर्गे चिड़ियाओं सारे जानवरों के बीच में ये लोग रहते हैं, और इसीलिए प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के बीच ही रह रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये खंदारू बोलते हैं, इसको खंदारू बोलते हैं, तीतर पकड़ने का। खंदारू, खंदारू। अच्छा भाई ये है ट्रेडिशनल तरीका जिससे मुर्गे पकड़े जाते हैं, ये जो इनके हाथ में है ये है खंदारू। तो वो अंकल जो है वो डाल रहे हैं चावल, और ये भाई साहब बिल्लियाँ पकड़ रही, बिल्लियाँ भी ये लोग, खैर बोल छोड़ो इसको। वहाँ पे चावल जो है वो बिखेर दिया गया है, अब जाल बिछाया जाएगा ताकि मुर्गे आ पाए। और इसके लिए भी जो आवाज़ निकाल ली जाती है उसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट है, मतलब वो देखो वो मुर्गे, वहाँ पे चारों तरफ मुर्गे ही मुर्गे हैं जो भाग रहे हैं। अब वहाँ पे ये जो मुर्गी और तीतर पकड़ने का ऐसा है ना, ऐसा इसको ऐसा डालने का जाल को। अच्छा ऐसा डाल देंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे गाय के साथ जाके ऐसे पकड़ने का। संजय वादे साहब बोलो, मुर्गे इसकी तरफ आकर्षित होते हुए आए 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 आए, मुर्गे आए मुर्गे आए, उधर चले गए। पर की शुरुआत हो चुकी है, मुर्गे इसमें आ चुके हैं क्रॉस करके। छोटा हो तो अंदर आ जाएगा, लेकिन बड़े आ गए तो सारे। हाँ ये सारे बड़े आ गए, वो एक फंसा। एक फंस गया, देखो फंस गया, एक फंस गया ऐसे, वो दूसरा भी फंसा, दो फंस गया। ऐसे जानवर को पकड़ते हैं, मतलब पंछियों को। तो अभी कलेक्शन टाइम हो गया इस तरह से। तो मैं बता दूं आपको, ये है हमारा पहला, मतलब पहला तरीका है। हम जैसे ही पहले से हमारा हक्की पिक्की लोग जीते आए हैं, तो ऐसे ही शिकार करके हमारा गुजारा आया है। उसके बाद जो आपने फूल देखा ना, वो फूल
पुल का धंधा आया है, मतलब इस पे बैन लग गया तब से वो प्लास्टिक का पुल बना के उसको हम जीवन बिताते थे। पकड़ लिया मुर्गा, पकड़ लिया कर दे, इसे पकड़े, इसे पकड़े, उसका भी सोन का ले ले। छोटे छोटे पंछी और जानवर दूर दूर होते हैं ना, उसको हम उसकी आवाज से उसको नजदीक बुलाते हैं। तो ये दादा हमारे को बताएंगे कि उसका आवाज कैसा कैसा निकालेंगे, ये सब बताएंगे। कर लो, ये जंगली मुर्गा का है, जंगली मुर्गा का अभी निकालेंगे। जंगली मुर्गा का है। अंकित तीतरानो कर, तीतरानो ये मादी का होता है, जंगली मुर्गी का, जंगली मुर्गा जब नर रहता ना ये आवाज सुनेगा तो मादी चिल्ला कर वो चिल्लाता। हाँ, मतलब तीतरानो कर, ये तीतर का है अभी, वो भी चिल्लाता, तीतर का है। ये सब मादा की आवाजें हैं। हाँ, ये तीतर का, वो भी आवाज करता। अच्छा, नोहरीनो ये सियाल का है, पहले वी, वी, वी। हमारा खाना पीने का यहीं पे है बोल के वो दौड़ के आ जाता है, कौन की चिल्ला रहा है खाने का मिल गया आ जाओ बोल के चिल्ला रहा है वो, तो वो दौड़ के यहाँ आ जाता है। अभी किनु करे, अभी किनु करे, अंगूठी तरह से स्पीकर में घाले साउंड। हां, यो यो बोल, यो बोल, अंगूठी रो। ये जो है ना, जो पानी की मुर्गी बोलते हैं ना, पानी की मुर्गी, जैसे उसको जाल डाल के उसको पुकारते हैं तो वो आके जाल में फंस जाता है, तो उसको हम शाम को लेके जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब तीनों साथ में कवर कर सकते हो, बस चल रही डायरेक्ट। हाँ हाँ, तो आराम से होगा। और तो टॉय ट्रेन करी हो गए, मतलब टॉय ट्रेन भी चलती है। तो भाई अब जो पेड़ से टूटा था वो हाथ में आ चुका है। हाँ। वो घर लास्ट जैसा, हाँ, कच्चे वाला घर था। अच्छा, तभी हम धंधे थोड़ा पानी करके हमें तेल बेच के, फर्स्ट हमें नहीं पता था वो क्या बोलते, यूट्यूबर के बुलाना, यूट्यूब निकालना, होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, और उतना पढ़ने की भी नहीं आता, क्या गूगल में देखना, क्या मार्केट बुला, नहीं पता। अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख सीख के, पढ़ पढ़ के सीख सीख के, थोड़ा टैलेंट आ रहा है कैसे करके वो कैश ऑन डिलीवरी बेचना, यूट्यूब निकालना। हाँ। सब बना। तो आप अपना यूट्यूब भी चलाते हो? नहीं, मेरा यूट्यूब। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरा अटायर के साथ, और काफी अच्छा और डिफरेंट वाइब मुझे लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसे मैं ओणम पे गई थी, तो वैसा ही वाइब आ रहा है। ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है जो मैंने पहना है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ऑयल कैसे बनता है। तो भाई जो तेल बनता है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से बनता है, बड़ी बड़ी कढ़ाई में ये लोग नारियल का तेल और सारी जड़ी बूटियाँ डाल के इसको मिक्स कर देते हैं, और फिर ये देखो इस साइड पे ये सारी छानने के बाद, और ये इस तरह से तेल बना हुआ है। ये भी इनके एक मुख्य व्यवसाय में से एक है, और आजकल पूरी मतलब ये जो कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा यही बिजनेस कर रही है। आने के बाद दो दिन ऐसे ही रखते हैं, दो दिन ऐसे रखने के बाद उसको ये कपड़े से निथार के ऐसा देखो, ये देखो, ऐसे ऐसा बॉटल हम मंगाते हैं, ऐसा बॉटल मंगा के ऐसे बॉटल में हम भर भर के उसको जिसको चाहिए उसको देते हैं। बहुत सख्त जरूरत है मेरे बालों को, और इसका इफेक्ट आपको कुछ दिनों में फ्यूचर वाली वीडियोस में जरूर दिखेगा, क्योंकि मैं इसे अब कंटिन्यू यूज करने वाला हूं। तो बालों में चम्पी करा के अब मैं निकल रही हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।